दोस्तों, दुनिया भर में विकराल रूप से फैली कोरोना महामारी की चपेट में आकर मारे गए लोगों की आत्मिक शांति एवं अन्य लोगों के पूर्ण स्वास्थ्य की कामना के लिए रविवार को शहर के वार्ड 14 हरचंद का बास में स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत स्काउट एवं गाइड के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के आह्वान पर किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न धर्मों के लोगों ने एक साथ बैठकर सामूहिक शांति पाठ किया और 2 मिनट का मौन रखकर कोरोना महामारी में दिवंगत हुए लोगों की आत्मिक शांति की कामना की। वहीं आम लोगों के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन के लिए प्रार्थना की गई। भारत स्काउट एवं गाइड के कब मास्टर भभूति प्रसाद गर्ग ने बताया कि यह कार्यक्रम 1 जून से 2 अक्टूबर के बीच आने वाले प्रत्येक रविवार को देश भर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा कोरोना महामारी के दौरान जो प्रियजन हमसे बिछुड़ गए हैं उनकी याद में 1 जून से लेकर 2 अक्टूबर तक जितने भी रविवार पड़ेंगे उन सभी रविवार को पूरे देश में सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ये हमारे सिरसा ज़िले में 4th प्रोग्राम है। इससे पहले 3 प्रोग्राम सिरसा रानियां डबवाली में हो चुके हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हमसे बिछुड़ गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और जो हम सभी के लिए ये प्रार्थना करते हैं कि हम स्वस्थ रहें, अपने देश की उन्नति के लिए, अपने स्वयं की उन्नति के लिए और दूसरों की उन्नति के लिए हम कार्य करते रहें। ये आज के इस सर्वधर्म प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य है। भारत स्काउट एंड गाइड की तरफ से जिला एसोसिएशन खंड एलनाबाद में आज सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य उद्देश्य है कोरोना महामारी के दौरान जो हमसे लोग बिछड़ गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए और बाकी लोगों के स्वास्थ्य की कामना के लिए ये सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया है। कोरोना महामारी के कारण जान गंवा चुके लोगों की आत्मिक शांति हेतु सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। हमारे राष्ट्रीय मुख्यालय द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के निर्देशानुसार आज यह सर्वधर्म प्रार्थना गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हरचंद का बास में यह आयोजित की गई है। इसमें सभी धर्मों के हिंदू, मुस्लिम, सिख और बौद्ध धर्मों के लोगों ने सर्वधर्म प्रार्थना की। भारत स्काउट्स द्वारा सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग इकट्ठे होकर एक प्रार्थना की गई। जो कोरोना काल के दौरान जो अपने से प्रियजन बिछुड़ गए थे उनकी शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और सभी धर्मों द्वारा प्रार्थना की गई। ये बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा भारत के अंदर सभी जगह एकता होनी चाहिए, सभी धर्म मिलजुल कर अपने को रहना चाहिए। इससे ये शिक्षा मिलती है और सभी को जो हमारे से बिछुड़ गए हैं उनकी शांति के लिए प्रार्थना। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल डी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा दें, ताकि आगामी दिनों में होने वाले ग्राम पंचायतों, नगर पालिका व विधानसभा उपचुनावों के दौरान हमारे द्वारा चैनल पर डाले गए सभी वीडियो तुरंत और सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।